अब देखिए हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर है वो डिस्कस कर रहे हैं अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स ये बेसिकली थ्योरेटिकल चैप्टर है और इतना इसमें से कुछ आने की संभावना कम ही रहती है एक तो सेक्शन 35 है जो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स के बारे में बता रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स आपको जी के अंदर मेनटेन करने हैं और सेक्शन थर्टी जो है वो है पीरियड ऑफ मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स ठीक है पीरियड ऑफ मेंटेनेंस ऑफ से अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स कितने टाइम तक ये अकाउंट ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं तो सबसे पहले तो ध्यान में रखिएगा कि हु इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट एंड एट विच प्लेस तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो रजिस्टर्ड पर्सन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है मेंटेन करने हैं जो उसकी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है और जो उसकी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है वहाँ पे उसको क्या है ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं अब ये बेसिकली अकाउंट और रिकॉर्ड जो रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड है क्या अकाउंट और रिकॉर्ड्स उसको मेंटेन करने हैं दैट इज़ क्या ट्रू एंड करेक्ट अकाउंट ऑफ क्चर ऑफ गुड्स ट्रू एंड करेक्ट अकाउंट ऑफ से प्रोडक्शन मैन्यूफर गुड्स ऑफ गुड्स कितना आई टी सी उसने अवेल किया है आउटपुट टैक्स पेड एंड पेबल एंड रिकॉर्ड प्रिस्क्राइब बाय द रूल्स ठीक है तो ये अदर रिकॉर्ड जो है प्रिस्क्राइब बाय द रूल्स ये आपके अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स क्या है मेंटेन कर रहे हैं प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ स्टॉक ऑफ गुड्स आई टी सी अवेल्ड आउटपुट टैक्स पेएबल एंड पेड एंड रिकॉर्ड्स अदर रिकॉर्ड्स प्रिस्क्राइब उसके अलावा देखिए ये तो है ही है नियमों में ये बोल रखा है कि नियमों में ये बता रखा है कि क्या अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं जो गुड्स एंड और सर्विसेज़ जो उसने इंपोर्ट की है गुड्स एंड और सर्विसेज़ जो उसने क्या की है इंपोर्ट की है उसके खाते मेंटेन करना है उसके अलावा जो रिवर्स चार्ज के अंदर सप्लाइज हैं जिन पे रिवर्स चार्ज के अंदर सप्लाइज अट्रैक्टिंग वॉट सप्लाइज अट्रैक्टिंग पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज उसके अलॉन्ग विद रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जैसे इन्वाइस हो गया बिल ऑफ सप्लाई हो गया डिलीवरी चालान हो गया क्रेडिट नोट हो गया डेबिट नोट हो गया रिसिप्ट वाउचर हो गए पेमेंट वाउचर हो गए रिफंड वाउचर फिर सेपरेट अकाउंट्स ऑफ दी एडवांसेस ठीक है सेपरेट अकाउंट्स को एडवांसेस का मेंटेन करना है नेम एंड एड्रेस ऑफ द सप्लायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो नेम एंड एड्रेस है ऑफ़ दी सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सर्विसज आर चार्जेबल टू टैक्स एंड रेसिपेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और जहाँ पे ये माल क्या है स्टोर करके रख रहा है उसके अलावा देखिए कंपोजिशन सप्लायर को कौन से रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करने स्टॉक अकाउंट मेंटेन नहीं करना और इनपुट टैक्स रेट मिलता नहीं है तो टैक्स डिटेल्स uh, के रिलेशन में उसको मेंटेन नहीं करना है तो देखिए रिकॉर्ड्स विच आर टू बी मेंटेन ओनली बाय सप्लायर अदर देन द पर्सन अदर देन अ सप्लायर ऑप्टिंग फॉर कंपोजन स्कीम दैट इज अकाउंट ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स रिसीव्ड एंड सप्लाइड स्टॉक जो स्टॉक अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं वो रिसीव्ड एंड से सप्लाइड इंक्लूडिंग से द क्या उसका गुड्स लॉस्ट है स्टूलर है से डिस्ट्रॉयड है फ्री सैम्पल्स का क्या रिमूवल हुआ है क्या स्टॉक बैलेंस उसका है उसके अलावा जो डिटेल्स हैं डिटेल्स हैं अकाउंट ऑफ टैक्स डिटेल्स ऑफ टैक्स पेबल कलेक्टेड एंड पेड कितना आईटीसी क्लेम किया है ठीक है और ये सब ट्रेड टुगेदर विद वाट रजिस्टर ऑफ टैक्स इन्वाइसिस क्रेडिट नोट्स डेबिट नोट्स डिलीवरी चार इशूड और रिसीव ड्यूरिंग एनी टैक्स पीरियड फिर क्या रिकॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन बाई द एजेंट क्या रिकॉर्ड एजेंट को मेनटेन करने है एजेंट्स को तो प्रिंसिपल आपको ऑथोराइजेशन दे रहा है प्रिंसिपल ऑथोराइजेशन दे, दे रहा है एजेंट को कि उसके बिहाफ पे या तो गुड्स प्रोक्योर करो या उसके बिहाफ पे गुड्स आगे बेचो तो जो ऑथोराइजेशन रिसीव हुआ है ऑथोराइजेशन रिसीव फ्रॉम ईच प्रिंसिपल ऑथोराइजेशन विच इज ईच प्रिंसिपल टू रिसीव और सप्लाई टू रिसीव और सप्लाई गुड्स और सर्विस ऑन बिहाफ ऑफ सच प्रिंसिपल फिर है पर्टिकुलर्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड हाफ ऑफ एवरी प्रिंसिपल पर्टिकुलर ऑफ गुड्स और सर्विसेज से रिसीव्ड और सप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल फिर है डिटेल्स ऑफ अकाउंट्स फर्निश्ड टू एवरी प्रिंसिपल डिटेल्स ऑफ द अकाउंट्स विच आर से फर्निश्ड टू एवरी प्रिंसिपल डिटेल्स ऑफ द अकाउंट्स फर्निश टू एवरी प्रिंसिपल टैक्स पेड ऑन रिसिप्टर से इफेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल टैक्स पेड ऑन रिसिप्ट या सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच इज इफेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल ठीक है तो ये रिकॉर्ड्स आपको क्या है मेंटेन करने हैं ये रिकॉर्ड्स क्या है आपको मेंटेन करने हैं अब जो एजेंट को मेंटेन करना है बेसिकली वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर अगर कोई है वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर कोई है तो उसको क्या रिकॉर्ड मेंटेन करने होंगे लॉजिकली देखो जिस पर्सन का वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा है उसका नाम पता नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन ऑन हुज बिहाफ द वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड ठीक है उसके अलावा जिन व्यक्तियों को उन्होंने क्या है गुड्स और सर्विसेज जिनसे उसने क्या है रिसीव की है उनका नाम पता नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन फ्रॉम हुम द गुड्स एंड सर्विसेज है डिटेल्स ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स ऑफ वॉट द पेमेंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एच वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट डिटेल्स ऑफ द पेमेंट रिसिव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द इच क्वर्स कॉन्ट्रैक्ट उसके अलावा क्या डिस्क्रिप्शन है वैल्यू ए क्वान्टिटी ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाय द प्रिंसिपल ऑम द प्रिंसिपल और क्या डिस्क्रिप्शन क्वान्टिटी एंड वैल्यू ऑफ गुड्स विच इज यूटिलाइज इन एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट विच इज से यूटिलाइज इन एक्जीक्यूशन ऑफ द वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट तो ये सेपरेट इसको क्या है रिकॉर्ड्स क्या है मेंटेन करने हैं ये सेपरेट रिकॉर्ड्स इसको मेंटेन करने हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर के रिलेशन में उसके बाद देखिए जो मैन्युफैक्चरर है तो बट नेचुरल है उसको मंथली प्रोडक्शन अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा कि कितना माल इसका ओपनिंग स्टॉक में पड़ा था रॉ मटेरियल का कितना उसने यूज़ किया क्या फिनिश गुड्स बने कितने वो स्टॉक में है ये पूरी डिटेल्स उसको मेंटेन करनी पड़ेगी दैट इज रॉ मटेरियल एंड सर्विसेज विच आर यूज इन मैन्युफैक्चर एंड गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इंक्लूडिंग वेस्ट एंड बाय प्रोडक्ट गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इंक्लूडिंग वेस्ट एंड बाय प्रोडक्ट इसी हिसाब से सर्विस प्रोवाइडर को अकाउंट्स दे मेन्टेन करना है कि कितनी क्वान्टिटेटिव डिटेल्स ऑफ गुड्स है क्वान्टिटेटिव डिटेल्स ऑफ गुड्स यूज इन क्या सर्विस प्रोविजन क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ गुड्स यूज इन सर्विस प्रोविजन एंड डिटेल्स ऑफ इनपुट सर्विसेज यूटिलाइज एंड सर्विसेज सप्लाइड डिटेल्स ऑफ से इनपुट सर्विसेज से यूटिलाइज एंड सर्विसेज से सप्लाईड फिर देखिए अगर कोई ओनर ऑपरेटर ऑफ गोडाउन है या वेयर हाउस से या ट्रांसपोर्टर है तो रिकॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड बाय दिस ओनर या ऑपरेटर ऑफ गोडाउन या वेयर हाउस या ट्रांसपोर्टर वेदर सच पर्सन इज रजिस्टर्ड और नॉट वेदर सच पर्सन इज रजिस्टर्ड और नॉट किसके रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं रिकॉर्ड ऑफ द कंसाइनर कंसाइनी एंड अदर रेलिवेंट डिटेल्स ऑफ द गुड्स इन सच मैनर से एच मे वी से प्रिस्क्राइब जो ट्रांसपोर्टर है वो रिकॉर्ड मेंटेन करेगा ऑफ द गुड्स ट्रांसपोर्टेड एंड डिलीवर्ड गुड्स ट्रांसपोर्टेड एंड डिलीवर्ड कितने गुड्स क्या है ट्रांसपोर्ट किए कितने गुड्स डिलीवर किए क्या गुड्स स्टोर्ड इन ट्रांजिट है

फॉर विच पर्टिकुलर गुड्स रिमेन इन द वेयर हाउस उसके अलावा इंक्लूडिंग द पर्टिकुलर रिलेटिंग टू डिस्पैच मूमेंट रिसिप्ट एंड डिस्पोजल ऑफ सच गुड्स ठीक है उसके क्या है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है मेंटेन कर रहा है ठीक है तो ये आपके रिकॉर्ड्स की बात चल रही है अब ये रिकॉर्ड्स हाउ द रिकॉर्ड्स आर रिक्वायर टू बी मेंटेन्ड बात है कि ये रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करेंगे हम तो ये आप फिजिकल फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिकॉर्ड्स क्या है मेंटेन किए जा सकते हैं तो रजिस्टर्ड पर्सन द रजिस्टर्ड पर्सन मे कीप एंड मेंटेन द अकाउंट्स इन से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और ये जो अकाउंट्स मेंटेन होंगे वो क्या होंगे एट रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे मेंटेन होंगे और नो no एंट्री जो है इन दी अकाउंट्स uh, uh, ये क्या है इरेज की जा सकती है या ओवर की जा सकती है अगर इनकरेक्ट एंट्रीज है अदर देन ऑफ क्लैरिकल नेचर तो स्कोर आउट किया जाएगा उसका उसको स्कोर आउट किया जाएगा अंडर अटेस्टेशन एंड देयर आफ्टर करेक्ट एंट्री को क्या है रिकॉर्ड किया जाएगा उसके अलावा देखिए द रिकॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस ऑन डिमांड जब भी प्रॉपर ऑफिसर उनको मांगे आपको देने होंगे और डिटेल्स और जो ऑफ फाइल्स पासवर्ड्स एक्समेस फॉर कोड्स एंड एनी अदर रेलेवेंट जो भी उनको इंफॉर्मेशन चाहिए रिक्वायर्ड फॉर एक्सेस वो देनी होगी जो ईच वॉल्यूम ऑफ दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसको सीरियली नंबर सीरियली मेंटेन करना है या अपन ने बोल ही दिया बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस ऑन डिमांड और प्रॉपर नेसेसरी ऑडिट ट्रेल उनकी क्या है मेंटेन करनी पड़ेगी फिर देखिए अगर आप मेंटेन नहीं करते हो तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे फेलियर टू मेंटेन अकाउंट्स तो फिर प्रॉपर ऑफिसर विल डिटरमाइन द टैक्स पेएबल ऑन द अनअकाउंटेड गुड्स और सर्विस प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा डिटरमाइन करेगा द टैक्स पेएबल ऑन द अनअकाउंटेड गुड्स एंड सर्विसेज एज इफ द सेम हैज बीन सप्लाइड सच पर्सन ये मानते हुए कि दीज हैव बीन से सप्लाइड बाय सच पर्सन एंड प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 73 एंड 74 जो टैक्स डिमांड शो कॉज नोटिस इन्वॉल्विंग नॉर्मल पीरियड और एक्सटेंडेड पीरियड लिमिटेशन अप्लाई हो जाएंगे यानी आपके पास शो कॉज नोटिस आ जाएगा ठीक है कि भाई इस तरह से आपने ये रिकॉर्ड नहीं मेंटेन किए और ये आपने रिमूवल कर लिया है माल का बिना जीएसटी पे किए अब क्या पीरियड रहेगा फॉर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स पीरियड रहेगा सेवेंटी टू मंथ्स पीरियड रहेगा सेवनटी टू मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न सेवनटी टू मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर द ईयर टू विच द अकाउंट्स परटेन्स तो अगर सपोज कीजिए ये फाइनेंशियल ईयर एक्स 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 वाई है इसकी ड्यू डेट हो गई इकतीस बारह ट्वेंटी एक्स वाई एनुअल रिटर्न की तो इससे बहत्तर महीने यानी छः साल तक इसके बाद ये आपको मेंटेन करने हैं और अगर कोई मामला आपका अपील में है रिवीजन में है या अदर प्रोसीडिंग्स में है बिफोर एनी अपीलेट और से रिविजनल अथॉरिटी और अपीलेट ट्रिब्यूनल और कोर्ट और इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन तो उस केस के अंदर ये रिकॉर्ड्स कब तक मेंटेन करने हैं ये एक तो बहत्तर महीने का पीरियड हो ही गया जिस भी फाइनेंशियल ईयर की आपकी मामला अपील में गया हुआ है उसके ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न से लेके क्या बहत्तर महीने ठीक है या फिर जो अपील डिस्पोज ऑफ हुई है जो अपील डिस्पोज ऑफ हुई है उससे एक साल ठीक है विच एवर इज लेटर जो भी पीरियड लेटर हो तो इतने पीरियड तक ये अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है तो ये अभी अपने जो डिस्कशन किया है वो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स से रिलेटेड है तो पीरियड ऑफ मेंटेनेंस से रिलेटेड एम वगैरह पूछे जा सकते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में हालांकि पूरा चैप्टर एक तरह से थ्योरिटिकल चैप्टर है आप एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा